वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। चीन को लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक की थी, लेकिन बावजूद इसके सियासत थम नहीं रही है। बड़ी खबर जो अभी आ रही, बता दें राहुल गांधी ने लगातार हमले किए हैं और आज फिर से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके राहुल गांधी के इन हमलों पर जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा है कि जब पूरा देश एकजुट खड़ा दिख रहा है तो फिर ओछी राजनीति से बचना चाहिए, देशहित के साथ खड़े दिखना चाहिए। हिमांशु मिश्रा हमारे सभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या स्टैंड अप सरकार का, क्योंकि विपक्ष लगातार आक्रामक है सरकार के रवैये को लेकर भी। देखिए बिल्कुल, विपक्ष लगातार जो है वो हमलावर है चाइना को लेकर। जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ है उसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था, और आज एक जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके बेटे ने बयान दिया है, उनके पिता ने बयान दिया है कि भारत चीन को हरा सकता है और राहुल गांधी राजनीति ना करें। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि देखिए, एक बहादुर सैनिक जो शहीद हो गया उसके पिता जब ये कह रहे हैं कि हम चीन को हरा सकते हैं, तो ऐसे समय में हमको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे समय पे हमको ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए, संदेश ये जाना चाहिए कि पूरा देश एकजुट है। और ये कहकर शायद गृह मंत्री का सीधा निशाना जो है वो राहुल गांधी पे ही था, और उन्हें राहुल गांधी से कोट करते हुए ये कह दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं चाइना को लेकर लगातार, कल सोनिया गांधी ने भी जो है वो सवाल उठाए थे सर्वदलीय बैठक के अंदर, और प्रधानमंत्री ने उनका जवाब दिया था। ये लग रहा था कि शायद अब विपक्ष सवाल ना उठाए, लेकिन अब जिस तरीके से सवालों का सिलसिला चल रहा था अब उसके ऊपर जवाब देना शुरू कर दिया है सरकार की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, नजर आप बना रखिए। शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें राहुल गांधी लगातार आक्रामक हैं। कल प्रधानमंत्री ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाए थे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया था। कहा था कि सीमाएं सुरक्षित हैं, सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और सीमा की सुरक्षा के लिए सेना हर पल अलर्ट है। बावजूद इसके आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर अमित शाह ने ट्वीट करके इसका जवाब भी दिया है। तो गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में एक शहीद के पिता का जिक्र किया है। शहीद के पिता ने कहा है कि राहुल गांधी शहादत पर सियासत ना करें। सुनिए शहीद के पिता ने क्या कहा। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। राहुल गांधी आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छा रहा लड़ेगा, अभी फिर लड़ेगा, सेहत बढ़ेगा, ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा सुरक्षा के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।